जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर। इस कंपनी के यहाँ पर अगर हम बातें करें तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है कि आप इस कंपनी को यहाँ पे क्वार्टर वन से पहले अगर यहाँ पे बाई कर लेते तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करीब करीब 15-20% की आपको यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए भी देखने को मिल जाएगी, जिसके पीछे यहाँ पे वजह भी आपको देखने को मिल जा रही, तो उस वजह को भी हम यहाँ पे आपको आगे बताने वाले हैं। तो जबरदस्त तेज़ी आने वाली है, अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधा अपने कंपनी के ऊपर आ गए, गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर। एंड आपको बता दें कि यह एक कंपनी जो है वो FMCG सेक्टर में आने वाली देखने कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जो कि पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे हमको बनाती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इनके प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो काफ़ी डिमांड में भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटल्स की भी अगर यहाँ पर हम बातें करें तो कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बातें करें तो ना के बराबर है, मतलब केवल और केवल 14 लाख का कर्जा इनको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह कंपनी एक डेट फ्री कंपनी भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर यहाँ पर बातें करें तो 98,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैप यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, जो कि और एक अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की भी बातें करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी शानदार, यहाँ पे हमको इनका परफॉर्मेंस भी लगातार यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन वहीं पे अगर रिटर्न्स की भी बातें करें तो आप देख सकते हैं कि एक साल की अगर यहाँ पर बातें करें तो एक साल में भी इस कंपनी ने 38-39% का रिटर्न्स दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पे अभी मार्केट हमको देखने चलते हुए देखने को मिला उस हिसाब से कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पूरी की पूरी FMCG सेक्टर की यही कहानी हमको देखने को मिल जाती है कि पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर करके नहीं दिखा पाई है। इस वजह से आपने देखा होगा कि सभी के सभी यहाँ पे जो भी FMCG सेक्टर की कंपनियाँ वो प्रॉफिट हमको कम जनरेट करते हुए देखने को मिल जा रही है। लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो कंपनी है वो 23,436% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं। तो 2001 से लेकर के अभी तक इस कंपनी ने इतना रिटर्न्स दिया है, बहुत ही गजब का रिटर्न्स भी ये हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। मतलब कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो जो फंडामेंटल्स है वो हमको स्ट्रांग ही देखने को मिल जा रहा है। देन यहाँ पे एक बड़ी खबर इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे हमको आती हुई देखने को मिल जाए, जिसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वो जो खबर है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कंपनी का जो यहाँ से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो डबल डिजिट ग्रोथ फॉर जून क्वार्टर से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जा रहा है कि इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका जो क्वार्टर वन मतलब जून वाला जो क्वार्टर अभी जो चल रहा है दोस्तों, जो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो उस क्वार्टर की बातें करें तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है, जो कि एक बड़ी बात यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में डबल डिजिट ग्रोथ मतलब अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड अगर ये पे ऐसा रिजल्ट जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा इस न्यूज़ में बताया जा रहा है, ऐसा होते हुए आपको जून क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में कितनी बड़ी रैली यहाँ पे आते हुए भी आपको देखने को मिल जाएगी। यही थी न्यूज़ दोस्तों। अब हम यहाँ पर आ गए हैं रेवेन्यू के ऊपर इस कंपनी के। तो अगर देखा जाए तो पिछले एक साल का जो इनका परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं, मार्च 20 से मार्च 21 तक का जो डाटा यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। देन यहाँ पर देखिए जो रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर तक हमको बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिल जा रही है। तो कोई बात नहीं, एक क्वार्टर में हमको ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि ईयरली बेसिस पे अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि ईयरली बेसिस पे हमारी कंपनी जो है अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। उसी हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट की भी यहाँ पर अगर हम बातें करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 20 से मार्च 21 तक का डाटा अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो रेवेन्यू है जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो देखिए दिसंबर तक कितना शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोइंग मोड में हमको देखने को मिल जा रहा है, लेकिन वहीं पे मार्च क्वार्टर में हमको थोड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। आप देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे हमको काफ़ी शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड इस बार एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि ये जो जून में इनका जो प्रॉफिट है वो हमको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब पिछले साल की बातें करो 395 करोड़ का यह प्रॉफिट था, लेकिन इस बार की बातें करें तो वो काफ़ी बढ़त में हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पर हमने न्यूज़ में आप
को बताया है। देन वहीं पे हमने यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको नहीं बताया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का होल्डिंग है वो 63.23% के अभी भी प्रेजेंट टाइम में मतलब देखने को मिल जा रही है, जिसमें से 0.66% यहाँ पे प्लीज देखने को मिल जा रही है। तो इतना प्लीज यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात नहीं है। वहीं पे फॉरेन इन्वेस्टर का डाटा देखेंगे तो आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर बड़े धूमधाम के साथ इस कंपनी में यहाँ पे बैठे हुए हमको देखने को मिल जा रही है। देखिए 26 से 27% की होल्डिंग मार्च 21 में इनकी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। देन डीआईएस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं डीआईएस इस कंपनी में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देखने को मिल जाए, फिर भी 3% के आसपास यहाँ पे इनके होल्डिंग आप देखने को मिल जा रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी आप देख सकते हैं कि 7.12% की होल्डिंग पब्लिक इस कंपनी में प्रेजेंट टाइम यहाँ पे रखने तो हुए देखने को मिल जा रही है। सो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी यहाँ पे हमको अच्छा ही देखने को मिल जा रहा है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है कि क्वार्टर वन से का जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार हमको देखने को मिल जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जा रही है। शॉर्ट टर्म वाले के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर आप यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं तो क्वार्टर वन के रिजल्ट तक मतलब मंडे को अगर यहाँ पे बाय कर लेते हैं देन वहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट तक यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। देन आपको हम बता दें कि इनका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है दोस्तों, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि किस डेट में ये अपना रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पहले ही बता दी गई है कि इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आप इस कंपनी को अगर चाहें शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कमाना चाहें तो यहाँ पे कमा के चल सकते हैं। ओवरऑल कंपनी तो हमको काफ़ी शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहें तो आराम से बाय कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा ना लगा हो दोस्तों तो यहाँ पे सेल करके निकल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। देन यहाँ पे अगर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं दोस्तों, उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि कंपनी का रिटर्न आपने देखा ही है तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके आप चल सकते हैं। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ थी, जो चीज़ें थी, वो सभी मैंने आपको बता दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।